गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लली अलार लव ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। सो आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको राजीव चौक पार्क लेके चलती हूँ। तो दिखाती हूँ वहाँ का व्यू कैसा है और देख के आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। तो देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है। तो गाइस यहाँ पे वीडियो बनाना कुछ ऑकवर्ड सा लग रहा है क्योंकि यहाँ अधिकतर लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं। सो ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊँगी, कोशिश करूँगी आपको पूरा दिखाने का। तो चलिए देखती हूँ आगे, आगे दिखाती हूँ आपको। सो देख सकते हैं वो एंट्री गेट है और अभी मैं आगे की तरफ आ गई हूँ। आगे की तरफ चलते हैं और आगे दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि यह काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है और ऑकवर्ड सिचुएशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अधिकतर तोता मैना बैठे हैं। सो तोता मैने का मतलब आप समझ ही सकते हैं क्योंकि समझदार को इशारे काफ़ी होता है। सो देख ही सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग, अधिकतर आपको कपल में ही दिखा देंगे। सो इसलिए ये पार्क में थोड़ा करने में थोड़ा अजीब लग रहा है, बट मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने का। सो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही हरियाली है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा किया गया है और तो आप देख सकते हैं ये है राजीव चौक का जो मैंने दिखाया था, जो आपको नीचे में दिखाई दे रहा है वही है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, उसी के ऊपर में ये पार्क बना हुआ है। तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है और यहाँ पे कोई भी एंट्री फी नहीं लगता है, आप आ सकते हैं, आपको जितना टाइम रुकना है आप रुक सकते हैं। तो आगे की तरफ चलती हूँ और आगे दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे खाने पीने के आइटम हैं जो आप खरीद सकते हैं। और तो यहाँ पे फुहारा भी है राजीव चौक में जो कि काफी सुंदर लग रहा है और लाइट भी लगे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे फुहारा बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे मूवी के साथ फुहारा चल रहा है। Okay.
तो देखा गाइस, राजीव चौक का बहुत ही सुंदर है ये पार्क, और जहाँ पे फुव्वारे हैं जो कि म्यूजिक के साथ चलते हैं, और बहुत सारा यहाँ पे है, और यहाँ का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा किया गया है, और गार्डनिंग भी बहुत प्यारा लग रहा है, पीछे देख ही सकते हैं। और तो देख सकते हैं गाइस, राजीव चौक के साइड में एक बहुत बड़ा तिरंगे का बनाया गया है, जो कि आज तो तिरंगा नहीं है बट हमेशा यहाँ पे लगाया रहता है। और यहाँ का जगह कुछ इस तरह दिखाई देता है, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं, आप देख सकते हैं साइड साइड में बिल्डिंग है और काफी हरियाली है यहाँ पे। आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।